हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टाइक। गाइस, अगर आप किसी स्कूल का किसी ऑफिस का डेटा मैनेज कर रहे हो, आपके पास काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000, 10,00,000, 48,000, 576 अगर आपके पास एम्प्लॉयज भी हैं, तो उनकी जो आप एज है वो एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का डेटा मैनेज है तो आप एज एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फॉर्मूला। चाहे आप स्टूडेंट्स का आप डेटा मैनेज कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉयज का कर रहे हो, चाहे वो आप लोगों का कर रहे हो, कैसा भी आप डेटा मैनेज कर रहे हो, आप एक सेकंड में एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हम एक एक्सेल शीट में चलते हैं। यहां पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है, यहां पे आप देख सकते हैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है। 16-17 का डेटा मेरे पास लगभग यहां पे है। इनकी एज मुझे यहां पर मेंशन करनी है। अगर सपोज मेरे पास 16-17 की जगह 10,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, या फिर 10,48,576 लोग हैं, ठीक है। आप यहां पर एक चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको यहां पे 10,48,576 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। सवाल क्या होगा कि एक एक्सेल की वर्कशीट में टोटल कितनी रोज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जवाब होगा 10,48,576, चाहे वो कोई सा भी एक्सेल का वर्जन हो, आप चेक कर लीजिएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे कि आपको एक वीडियो से मल्टीपल जानकारी मिल जाए। तो जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ सेल्स को हम यहाँ पर रोज कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। इसी तरीके से आप एकदम लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको जो लास्ट रो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 10,48,576। यानी कि एक वर्कशीट में मेरे पास टोटल रोज कितनी हो गई, 10,48,576, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने ऊपर, चलिए आते हैं अब टॉपिक पे। तो यहाँ पे आपके पास कितनी भी रोज की डेट ऑफ बर्थ हो, आप एक सेकंड में यहाँ पे उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट आपको एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आपको लगाना है, ध्यान से देखिएगा। डेटेड इफ आपको ये फंक्शन यूज लेना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप का वो सेल आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया A3, आप देख सकते हैं A और A3, तो ये इसका सेल रेफरेंस हो गया A3 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे A3 के बाद आप एक कॉमा देंगे, देन यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज लेंगे। टुडे से क्या होगा, आज की डेट के हिसाब से यहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आती रहेगी। अगर आप ये एक्सेल शीट आज से एक साल बाद खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एज है आपकी एक साल ज्यादा हो जाएगी, ओके। देन कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम ईयर्स में यहाँ पे एज कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ईयर्स, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे 29 ईयर्स, 28 ईयर्स, जितने भी साल के आप हैं इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज हमने यहाँ पे कर दिया, दैट मीन कि अब हमारे पास जो आउटपुट है सिर्फ एज आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो एज के साथ, जैसे 28 ईयर, 27 ईयर, उसके साथ ईयर्स ओल्ड भी यहाँ पे जुड़कर आ जाए। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे एंड परसेंट का साइन लेंगे, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस दिया फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, और ईयर्स ओल्ड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डेटेड इफ ब्रैकेट में आपका सेल रेफरेंस A3 की जगह आपका कुछ भी हो सकता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, पहली डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। देन टुडे का फंक्शन कॉमा लगा के, देन कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई, क्योंकि हम सिर्फ ईयर में यहाँ पे ले रहे हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंड परसेंट, जो भी टेक्स्ट हमें साथ में जोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे हमारे सामने आ गया। जस्ट अब आप इसको जहां तक आपका डेटा है वहां तक स्ट्रेच कर दीजिए, और ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास डेट कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप इस तरीके से शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाएं जहां तक आपका डेटा है, और कंट्रोल डी आप दबाएंगे तो यहाँ पे सभी पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट कैलकुलेट होके आ गई, 29 ईयर्स ओल्ड, 32 ईयर्स ओल्ड, 29 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, 14 सितंबर के हिसाब से 25 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूले से आपने सारी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है
चाहे कितनी भी हो, आप एक सेकंड में यहाँ पे एज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबकी एज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सी ट्रिक है, ऐसे एक्सेल की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे मैं अपने काम में अप्लाई लेता हूँ तो आपको भी बता देता हूँ। तो आप भी जरूर यूज कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली काम आएगा। इनफैक्ट आपको सिर्फ अपनी भी एज कैलकुलेट करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।